हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ओपन सर्किट टेस्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। तो अब हम नया टॉपिक देखते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, सॉरी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जैसे कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट में देखा था, ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते हैं टू फाइंड आउट शंट ब्रांच पैरामीटर्स एंड कोर लॉस, ठीक है। सिमिलरली अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉपर लॉस एंड सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स। और मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स आपके लीनियर पैरामीटर्स हैं, जबकि शंट ब्रांच पैरामीटर्स आपके नॉन लीनियर है ड्यू टू हिस्टेरेसिस, है ना। तो नॉन लीनियर पैरामीटर्स है, इसीलिए उस टेस्ट को कंपल्सरली किस पे करना होता है, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जबकि अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम रेटेड वैल्यू ऑफ करंट पे कंडक्ट करते हैं, बट अगर अदर देन रेटेड वैल्यू ऑफ करंट पे भी कंडक्ट करें तब भी आर और एक्स की जो वैल्यू आएगी सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स की, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो कौन से पैरामीटर्स है, लीनियर पैरामीटर्स, ठीक है। ये बातें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर खोल के देख सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट वाली, ठीक है। तो सबसे पहला, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट क्यों किया जाता है, टू फाइंड आउट रेटेड वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस एंड सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स। और मैंने बताया सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स कौन से पैरामीटर्स हैं, लीनियर पैरामीटर्स। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप रेटेड वैल्यू ऑफ करंट पे ही कंडक्ट करें, इसीलिए कभी भी एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, कभी आपका शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट डाटा गिवन हो तो दोनों टेस्ट में आप ओपन सर्किट टेस्ट में देखने की जरूरत नहीं होती कि उसने वो रेटेड वोल्टेज पर कंडक्ट किया है कि नहीं, कि कंपलसरली उसे रेटेड वोल्टेज पर कंडक्ट करना होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अगर डाटा गिवन है आपका, किसी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉपर लॉस गिवन है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि रेटेड कॉपर लॉस है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसी भी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग किया हुआ होगा। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के डाटा में जो करंट गिवन है, एमीटर के जो रीडिंग गिवन है, वो रेटेड वैल्यू ऑफ करंट है या नहीं है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड वैल्यू ऑफ करंट, है ना, रेटेड वैल्यू ऑफ करंट, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर अदर देन रेटेड वैल्यू ऑफ करंट पे भी कंडक्ट करोगे तो आपका सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। एमीटर, तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करोगे सिमिलरली जैसे कनेक्ट किए तो ओपन सर्किट टेस्ट में, एमीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर। ये आपके प्राइमरी साइड के सर्किट, सर्किट कैसा है, शॉर्ट, R2, JX2, R1, JX1, CJXM, I0, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, किस टेस्ट को किस साइड कंडक्ट कर सकते हैं, तो कर तो दोनों साइड सकते हैं, आइदर लो वोल्टेज साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड, बट प्रेफर्ड किस साइड करते हैं। और फिर से वही सवाल जो मैंने बताया था ओपन सर्किट टेस्ट रिलेटेड, सिमिलरली अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगर पूछा जाए कि अगर इस टेस्ट को हमने मान लो वोल्टेज साइड कंडक्ट किया और वाटमीटर की रीडिंग 20 वाट है, सेम टेस्ट को अगर हम हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट करें तो वाटमीटर रीडिंग क्या होगी, तो हमेशा सेम होगी, आइदर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें या फिर ओपन सर्किट टेस्ट की। बट कन्वीनियंट किस जगह है, जरा देखो, इस टेस्ट को कंडक्ट करना है रेटेड वैल्यू ऑफ करंट पे, जैसे आपका ओपन सर्किट टेस्ट जो था उसको कंडक्ट किससे करते थे, रेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे। तो अगर हम सपोज दैट ये नेम प्लेट है, नेम प्लेट पे मेंशन है 10 kVA 2500 / 250 वोल्ट,
तो अगर हम हाई वोल्टेज साइड का रेटेड करंट लिखें तो ये होगा 10 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 2500, ये आएगा 4 एम्पियर। लो वोल्टेज साइड का करंट लिखें तो ये आएगा 40 एम्पियर। ठीक है, जिस साइड की वोल्टेज हाई उस साइड का करंट कम, जिस साइड की वोल्टेज कम उस साइड के करंट हाई, है ना। तो देखो यहां पे इस टेस्ट को कंडक्ट करना है रेटेड वैल्यू ऑफ करंट पे। तो अगर इस टेस्ट को हम हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट करें तो हाई वोल्टेज साइड का रेटेड करंट की वैल्यू कम है 4 एम्पियर, तो हमें लो रेंज की एमीटर की रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायरमेंट जो होगी लो रेंज ऑफ एमीटर रिक्वायर्ड होगा, सही बात है। अगर मैं लो वोल्टेज साइड करूं तो लो वोल्टेज साइड 40 एम्पियर रेटेड करंट है तो एमीटर बड़ा रेंज का लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस टेस्ट को किस साइड कनेक्ट करेंगे, प्रेफर्ड किस साइड किया जाएगा, हाई वोल्टेज साइड। सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस साइड कनेक्ट किए जाएंगे, हाई वोल्टेज साइड, एंड लो वोल्टेज साइड को क्या रखा जाएगा, शॉर्ट सर्किट। फिर से सेम क्वेश्चन यहां भी बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड अक्रॉस, तो सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस साइड कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज साइड। अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया गया ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट विच साइड इज कैप्ड शॉर्ट सर्किटेड, तो शॉर्ट सर्किट कौन से साइड को रख रहे हैं, लो वोल्टेज साइड। ठीक है, तो इस पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं, इस टेस्ट को हम लोग किस साइड कनेक्ट करेंगे, हाई वोल्टेज साइड, किस साइड को शॉर्ट रखना है, लो वोल्टेज साइड। तो थर्ड पॉइंट मेंशन करेंगे, ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस एचवी साइड व्हाइल एलवी साइड इज कैप्ड शॉर्ट सर्किटेड। इसके पीछे का रीजन मैंने एक बता दिया है, जैसे हमने ओपन सर्किट टेस्ट में देखा था, ओपन सर्किट टेस्ट हम रेटेड वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं तो रेटेड वोल्टेज किस साइड का कम होगा, लो वोल्टेज का, तो लो रेंज का वोल्टमीटर रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली इस टेस्ट को किस पे कनेक्ट करते हैं, रेटेड वैल्यू ऑफ करंट पे, तो रेटेड वैल्यू ऑफ करंट किस साइड का कम, लो हाई वोल्टेज का, तो इस टेस्ट को किस पे कर रहे हैं हम, हाई वोल्टेज पे। तो लिख लेंगे पॉइंट, इफ दिस टेस्ट इज कंडक्टेड एट एचवी साइड देन लो रेंज ऑफ एमीटर इज रिक्वायर्ड। लो रेंज ऑफ एमीटर कब रिक्वायर्ड होगा, जब इस टेस्ट को किस साइड कनेक्ट करेंगे, एचवी साइड। ठीक है, अब सर्किट तो शॉर्ट है तो बहुत के दिमाग में आता है कि सर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो चलो उस पर बात करते हैं कि क्यों डैमेज होगा। पहले ये देख लो, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने से इक्विपमेंट क्यों डैमेज हो जाता है, जरा देखो इस पर। अगर मैं मान लूं एक सिंपल डीसी जनरेटर, सपोज दैट 200 वोल्ट है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस इंपीडेंस कुछ ना कुछ होगी, मान लेते 0.1। ठीक है, यहां से मान लो लोड कनेक्टेड है, सपोज दैट ये लोड है। ठीक है, तो अभी जो करंट फ्लो होगा, करंट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 200 अपॉन 9.9 प्लस 0.1, कितना हो गया 200 अपॉन 10, दैट इज 20 एम्पीयर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 एम्पीयर। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इंटरनल इंपीडेंस तो रहेगा ना, तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तब जब करंट की वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 200 अपॉन 0.1, दैट इज 2000 एम्पियर। 2000 एम्पियर इज सफिशियंट टू डैमेज द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। बट अगर ये मान लो शॉर्ट, ये तो हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं ना, ये तो टेस्ट कंडक्ट करना है। अगर ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, अगर ये शॉर्ट करें साथ में इसको भी रिड्यूस कर दें, वोल्टेज को भी रिड्यूस कर दे, वोल्टेज को रिड्यूस करके हमने कितना कर दिया, 2 वोल्ट।
तो अगर वोल्टेज 2 वोल्ट करोगे, अब जब करंट निकालोगे तो फिर से रेटेड करंट आ जाएगा कितना, 20 एम्पियर। अगर हमने सर्किट जानबूझ के शॉर्ट किया है, हमें टेस्ट कंडक्ट करना है, तो अगर हम साथ में वोल्टेज रिड्यूस कर दें तो रेटेड करंट सर्कुलेट कराने के लिए यहाँ पे जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा वो रेटेड वोल्टेज नहीं होगा, 200 वोल्ट नहीं होगा, वो वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट या वो हो सकता है बहुत ही कम। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के समय जो यहाँ पे वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज की वैल्यू ऑटो ट्रांसफॉर्मर की मदद से दे सकते हो यहाँ से, है ना, या वेरिएक लगा लो, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, है ना। तो अगर एमीटर ये रेटेड करंट रीड कर रहा है तो जब शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज होगा ये वैल्यू बहुत ही कम होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा गिवन होता है, कंफ्यूज मत हो। एक नॉर्मल मैंने लिख दिया 5-8% ऑफ रेटेड वैल्यू, कहीं के 2-12% भी दिख जाएगा, कंफ्यूज में नहीं हो जाना, है ना। नॉर्मल से एक डाटा लिख दिया हमने, 5-8% ऑफ रेटेड वैल्यू। अब बातें क्लियर है। दूसरी बात ये भी समझो, जैसे चलो ये इंडक्शन में बात कर लेंगे, है ना, आगे बात कर लेंगे। चलो अब आगे इसमें देखते हैं, यहां पे हमारे पास तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हमारे पास, एमीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर। एमीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर। एमीटर कौन सा करंट रीड करेगा, रेटेड करंट। वोल्टमीटर कौन सा रीड करेगा, वीएससी, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम। वाटमीटर क्या रीड करेगा, ध्यान से देखो, देखो पिछले वाले ओपन सर्किट टेस्ट में पता होगा यहां पर जो वोल्टेज आता है वोल्टेज कितना होता था, रेटेड वोल्टेज। तो रेटेड वोल्टेज डायरेक्ट संट ब्रांच के पास आ रहा था, तो रेटेड वोल्टेज क्रॉसपॉन्डिंग कोर लॉस की वैल्यू कुछ ना कुछ निकली थी। बट अभी जो वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम। तो अगर नॉर्मल ऐसे बीएम भी देखोगे, बीएम क्या लिखते हैं, वीवाईएफ, ये वोल्टेज तुमने बहुत ही कम कर दिया है, ये वोल्टेज बहुत ही कम है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग बीएम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम। तो यहाँ से जो करंट ड्रॉ कर रहा होगा, एक नॉर्मल एक्साइटिंग करंट जो होगा, उसकी करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट संट ब्रांच को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। फिर से समझो, पिछले वाले केस में ओपन सर्किट टेस्ट में हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे वो रेटेड वोल्टेज था, बट शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटेड करंट सर्कुलेट कराने के लिए रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज कितना है, 5-8% ऑफ रेटेड वैल्यू, मतलब वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही कम है। तो इतना रिड्यूस वोल्टेज क्रॉसपॉन्डिंग आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट संट ब्रांच को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये भी लिख लो, पॉइंट मेंशन कर लो, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली 5-8% ऑफ रेटेड वोल्टेज इज सफिशियंट टू सर्कुलेट द फुल लोड करेंट। देयरफोर एट दिस रिड्यूस्ड वोल्टेज द कोर लॉस को क्या कर सकते हो, कैन बी नेगलेक्टेड। सिमिलरली याद करो ओपन सर्किट टेस्ट के समय जो करंट फ्लो रहा था वो नो लोड करंट थी, और नो लोड करंट की वैल्यू कितनी थी, 2-5%। तो उस लो वैल्यू ऑफ करंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस नेगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, सिमिलरली यहां पे जो वोल्टेज अप्लाई कर उस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। तो उस रिड्यूस्ड वोल्टेज के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी कोर लॉस की वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब जो यहाँ वाट मीटर की रीडिंग है, ये जो वाट मीटर की रीडिंग अगर हम लिखें, तो इस रीडिंग में क्या आएगा आपके पास, एक तो आएगा रेटेड कॉपर लॉस, रेटेड करंट के क्रॉसपॉन्डिंग रेटेड कॉपर लॉस, प्लस कोर लॉस भी आएगा, बट इस रिड्यूस्ड वोल्टेज के क्रॉसपॉन्डिंग इस कोर लॉस को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोर लॉस को क्या कर देंगे, कंप्लीटली नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस वाट मीटर रीडिंग को सिर्फ हम कौन सा लॉस एज्यूम करेंगे,
कॉपर लॉस। इस वाट मीटर की रीडिंग को क्या ज़ूम करेंगे, सिर्फ कॉपर लॉस। बात यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात ये भी समझो, इस टेस्ट को हाई वोल्टेज साइड करने का रीजन सबसे पहला क्या था कि लो रेंज ऑफ एमिटर रिक्वायर्ड होगा, जो मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया। दूसरी बात समझो, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट में मैंने बताया था, अगर उस टेस्ट को तुम लो वोल्टेज साइड कनेक्ट करोगे तो करंट की वैल्यू क्या थी, बहुत ही कम, तो बहुत ही कम मतलब 2-5%। तो लो वोल्टेज साइड का रेटेड करंट हाई होता है, तो एक मेजरेबल रीडिंग एमिटर का लेने के लिए हम उस टेस्ट को लो वोल्टेज साइड कंडक्ट किए थे। सिमिलरली शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो तुम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 5-8%। तो इतना लो वोल्टेज है, अगर मैं बोलूं कि लो वोल्टेज साइड इस टेस्ट को कंडक्ट करो, तो लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज पहले से लो है, उसका 5% निकालोगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी, तो वोल्ट मीटर का एक मेजरेबल रीडिंग नोट नहीं कर पाओगे। तो एक वोल्ट मीटर का मेजरेबल रीडिंग नोट करने के लिए इस टेस्ट को किस साइड कनेक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज क्या होगा, हाई। तो ये पॉइंट मेंशन कर लो। टू टेक द मेजरेबल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, This test is conducted at HV site. तो दोनों रीजन क्लियर होगा, जैसे वहां पे ओपन सर्किट टेस्ट में दो रीजन थे, सिमिलरली यहां पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, वहां पे जो वोल्ट मीटर वाला रीजन था यहां पे एमीटर का बन गया, वो जो एमीटर का रीजन था यहां पे वोल्ट मीटर का बन गया, ठीक है। अब आते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट पे, इसको क्या कर सकते हैं, हम इससे रेफर कर सकते हैं, इससे रेफर कर दो, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा देखो जरा। अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो हमने बताया संट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ही रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, तो संट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दे तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। संट ब्रांच को नेग्लेक्ट करने के बाद ये वोल्टेज VSC, करंट रेटेड करंट सर्कुलेट करा रहे हो, R1 JX1 R2 JX2, इन दोनों को मिला के क्या बोल दोगे, इक्विवेलेंट। ये VSC, R इक्विवेलेंट, JX इक्विवेलेंट, इसको बोल सकते हो Z इक्विवेलेंट। अब यहां से पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, आर एक्स, ध्यान रखना सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स लीनियर है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो यहां पे, टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट, देखो कैसे निकालोगे, तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अपने पास, फिर से लिख देता हूं मैं, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वाट मीटर। क्या क्या रीडिंग था, ये VSC, ये क्या रीडिंग था, आई रेटेड, ये क्या बताएगा, सिर्फ कॉपर लॉस, है ना, कोर लॉस को हम इस रिड्यूस्ड वोल्टेज पे हम क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहां पे देखो सीरीज सर्किट है, तो ये कॉपर लॉस लिखोगे तो क्या लिखोगे, I2R। भाई सर्किट शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब वोल्टेज वहां पे क्या हो गया, जीरो, वोल्टेज क्या हो गया, जीरो, मतलब कोई आउटपुट तो ले नहीं रहे हो। सिमिलरली ओपन सर्किट में सर्किट क्या था, ओपन, करंट की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो आउटपुट कितना हो गया, जीरो, आउटपुट ले नहीं रहे, इनपुट दे रहे हो, तो सारा इनपुट का कंट्रीब्यूशन कहां में होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस में, तो जो भी वाट मीटर रीड कर रहा है वो क्या होगा, सिर्फ लॉसेस, ठीक है। तो यहां से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, कॉपर लॉस अपॉन रेटेड करंट का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये वाट मीटर की रीडिंग है, ये एमीटर की रीडिंग है, तो आपका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल इसमें केवीएल लगा दोगे, तो केवीएल लगा क्या लिखोगे, VSC इज इक्वल टू I रेटेड इंटू जेड इक्विवेलेंट, तो जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, VSC अपॉन I रेटेड। ये हो गया वोल्ट मीटर का रीडिंग, ये हो गया एमीटर का रीडिंग, तो जेड निकल गया, जेड जैसे ही निकला तो एक्स निकाल सकते हो, फिर अंडर रूट Z² माइनस R² तो ऐसे सारा पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हो, R एंड X, ठीक है।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, है ना, आगे के लिए। थैंक यू।